50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। राष्ट्रपति ने आज 13 राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें से एक नाम ऐसा भी है जिस पर खूब विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। 39 दिन पहले जस्टिस नजीर रिटायर हुए थे। उनका राज्यपाल बनना कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था के लोगों को सरकारी पद क्यों दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने इसे सही प्रैक्टिस नहीं माना है। उनका कहना है कि इससे लोगों का न्याय के प्रति भरोसा उठ जाएगा। जब न्यायिक लोगों को आप सरकारी पद देंगे, 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। सवाल यहाँ ये उठता है कि रिटायर्ड जस्टिस नजीर का राज्यपाल बनना क्या गलत है? क्या सही में किसी रिटायर्ड जज को राज्यपाल बनाना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है? क्या लोगों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया से कम हो जाता है? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करते हैं। संविधान ने कभी भी किसी जज को राज्यपाल या दूसरे सरकारी पद संभालने से नहीं रोका है। संविधान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि कौन राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल के पास क्या शक्तियां रहती हैं। संविधान के आर्टिकल 157-158 में राज्यपाल के पद को लेकर विस्तार से बताया गया है। संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 35 या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, जो किसी भी लाभ वाले पद पर ना रहा हो, जो कुछ समय से राजनीति में सक्रिय नहीं है, उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब संविधान के ये प्रावधान बताते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस नजीर का राज्यपाल बनना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। वो ना तो राजनीति में सक्रिय है और ना ही उनके पास कोई लाभ वाला पद है और ना ही विधान मंडल के सदस्य रहे। ऐसे में वो राज्यपाल बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। विपक्ष का सवाल सिर्फ ये है कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को राज्यपाल या दूसरे ऐसे पद क्यों दे रही है। लेकिन विपक्ष के इन सवालों के बीच ये समझना भी जरूरी है कि इससे पहले क्या रिटायर्ड जजों को राज्यपाल बनाया गया है या नहीं। क्या सिर्फ मोदी सरकार में ही ऐसा हो रहा है? जजों का राज्यपाल बनना कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। पहले भी ऐसे कई राज्यपाल बने हैं जो रिटायर्ड जज हैं। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो पता चलता है कि इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल का पद दिया गया था। उदाहरण के लिए इसमें आपके सामने दो नाम रखता हूं, पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम और रिटायर्ड जस्टिस एम फातिमा बीवी। साल 2014 में पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं पूर्व जस्टिस फातिमा बीवी की बात करें तो वे 1997 में तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गई थी। ऐसे में ये उदाहरण ही बताने के लिए काफी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना किसी को राज्यपाल बनने से नहीं रोक सकता है। अगर वो अपने पद से रिटायर्ड हो चुके हैं और राजनीति में सक्रिय नहीं है तो वो उस पद को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नैतिकता को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है, लेकिन संविधान का साथ उसे इस मामले में नहीं मिलेगा। लेकिन विपक्ष को यह भी देखना होगा कि जिस नैतिक आधार को यह सवाल उठा रहा है, क्या उसकी अपनी पार्टी ने ऐसा करने से रोका है? क्या जब वो सरकार में थे, जब वो सत्ता में थे, तो क्या उनके समय में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यपाल नहीं बनाया गया है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। जाहिर है फिर उनको अपना जवाब मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आप तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी।